आज हम आपको बनाना सिखाएंगे नरगसी कोफ्ते, और इनके लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है मैं आपको लिखवा दूँ। सबसे पहले आपको बताऊँ कि कोफ्तों के लिए आपको चाहिए 1/2 kg कीमा। ये मेरे पास मटन का कीमा है 1/2 kg, और इसको मैंने तकरीबन घर में 2 दफ़ा ब्लेंडर में ब्लेंड करके बारीक कर लिया। और इसमें मैंने आधा प्याज और तकरीबन 4 से 5 सब्ज़ मिर्ची, इनको मैंने घर में ब्लेंड किया और ये डाल दिया। और हमें तकरीबन ये देखिए मेरे पास 5 बॉयल्ड एग हैं, इनको मैंने बॉईल कर लिया। और इसके अंदर जो मसाले जाएंगे वो देखिए 1/2 teaspoon नमक, 1 teaspoon सूखा धनिया, सब्ज़ धनिया थोड़ा सा, ड्राई मेथी 1 teaspoon, और आधा कप आपको बेसन चाहिए होगा। और इसको हम अच्छी तरह मिक्स करके कीमे में और फिर रख देंगे। उसके बाद ग्रेवी की ये रेसिपी आपको बताती चलूँ, ग्रेवी के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है वो देखिए। मैंने ये तकरीबन 3 मीडियम प्याज लिए थे, इनको 1 चम्मच ऑयल डाल के मैंने इनको हल्का सा लाइट ब्राउन करके फिर इनको ब्लेंडर में पीस लिया है। ये मेरे पास 1 चम्मच लहसुन, 1 चम्मच अदरक, और इसमें तकरीबन 3 सब्ज़ मिर्ची मैंने ब्लेंड करके रखी हैं, 1 टमाटर है मेरे पास यहाँ पे, और ये सब्ज़ धनिया हमें एंड पे चाहिए होगा गार्निश के लिए। और मसालों में जिन चीज़ की ज़रूरत है वो लिख लीजिए, नमक तकरीबन 1/2 teaspoon, और ये हैं मीट क्यूब्स जिसके लिए कोफ्तों के लिए हम डालेंगे, इनके अंदर बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा मीट का, तो क्योंकि हम बहुत ज़्यादा मसाले डालते हैं भूनते हैं तो चिकन और मीट का फ्लेवर ख़त्म हो जाता है, इसलिए इसमें मैं ये मीट के क्यूब्स डालूँगी 2। इसलिए नमक हमें कम ही डालना है क्योंकि क्यूब्स में भी नमक होता है, और फिर हम कोफ्तों में भी नमक डालेंगे। नमक ज़रा ध्यान से डालिएगा। ये देखिए मेरे पास 1/2 teaspoon इसके अंदर रेड चिली पाउडर है, क्योंकि कोफ्तों के अंदर सब्ज़ मिर्ची भी है, और उसके अलावा मैंने ग्रेवी में भी सब्ज़ मिर्ची डाली है इसलिए रेड मिर्ची कम है। 1/2 teaspoon गरम मसाला और 1/2 teaspoon हल्दी है, और आपको ऑयल चाहिए होगा कुकिंग के लिए। और चलिए अब आपको सिखाते हैं नरगसी कोफ्ते कैसे बनाने हैं। देखिए कीमा और इसमें जो प्याज और मिर्ची बताए थे और ये सारे मसाले जो मैंने आपको दिखाए थे ये मैं इसमें डालने लगी हूँ। इस तरह करके ये सारे इसमें डाल देंगे और इसको अच्छी तरह ऐसे मिक्स करेंगे। अच्छी तरह मिक्स करते रहें इसको जब तक ये पूरा इसका बेसन हम इसलिए इसमें डालते हैं क्योंकि जो मीट होता है वो श्रिंक होता है। जब भी आप उसको कुक करते हैं, कबाब बनाते हैं, बड़े बड़े कबाब बनाएंगे तो आप नोट कीजिएगा, जब फ्राई करेंगे तो श्रिंक हो जाएंगे। तो बेसन डालने से ये होता है कि कबाब आपके थोड़े कम श्रिंक होते हैं, और इसमें जो मीट अपना जो फैट लूज़ करता है वो भी कम लूज़ होगा। तो ये देखिए अच्छी तरह इसको मिक्स करें। मिक्स करने के बाद अब ये देखिए थोड़ा सा इस तरह आप अपने हाथ पे रखें, ये देखिए इसको ऐसे चौड़ा कीजिए जैसे आप चपली कबाब बनाते हैं, और इसके अंदर रखेंगे 1 अंडा। ये देखिए मैंने आपको जो अंडा दिखाया था उसको रखेंगे और चारों तरफ से इसको ऐसे और रैप करेंगे। लेकिन एक चीज़ आपको बताती चलूँ, इसको टाइट रैप ना कीजिएगा क्योंकि ये इसने श्रिंक होना है। अगर आप टाइट इसको रैप करेंगे तो ये कोफ्ते फट जाएंगे और अंडा नज़र आने लगेगा। इसको थोड़ा ढीला आपने बंद करना है, थोड़ा कीमा फालतू रखना है ताकि जब श्रिंक हो तो हमारे कोफ्ते फटे ना और अंडा बाहर ना निकले। इस तरह आपने अच्छी तरह करके इसको सारे इसकी जगह ये दबानी है आपने ताकि इसके जो जॉइंट्स हैं अच्छी तरह जुड़ जाए। इस तरह करके फिर आपने इसको अच्छी तरह इस तरह शेप देनी है। ये देखिए अच्छी तरह शेप देके इसी तरह सारे कोफ्ते बना लीजिए। बना के उनको साइड पर रखिए, फिर आपको बताते हैं कि इसकी ग्रेवी कैसे तैयार करनी है। देखिए अब हम कोफ्तों के लिए ग्रेवी बना रहे हैं, और ये वही ऑयल है जिसमें मैंने प्याज को थोड़ा सा ब्राउन किया था और थोड़ा सा और ऑयल डाला है इसके अंदर। अब मैं वो जो ब्राउन प्याज पेस्ट बनाई थी वो डालूंगी इसके अंदर। ये देखिए ये सारी डाल दी, इसको तकरीबन 2 मिनट के लिए हम और पकाएंगे प्याजों को, फिर उसमें अदरक लहसुन और जो सब्ज़ मिर्च आपको बताई थी
इसके साथ ही अब हम टमाटर डालेंगे प्याजों के अंदर। देखिए इस तरह हम टमाटर डाल के इसको थोड़ा सा सॉफ्ट होने देंगे, फिर उसके बाद आपको दिखाते हैं कि गार्लिक और लहसुन अदरक सब्ज़ मिर्ची कब डालनी है। अब हम इसमें अदरक और लहसुन डालेंगे और सब्ज़ मिर्ची, थोड़ा सा इसको मिक्स करेंगे। और इसके साथ ही मैंने आपको जो मसाले दिखाए थे वो डाल देंगे, लेकिन इसके अंदर चिकन क्यूब्स अभी हम नहीं डालेंगे। चिकन क्यूब्स मैंने निकाल दिए हैं और बाकी के सारे मसाले इसमें डालने लगे हैं, ये देखिए। और इस मसाले को हम थोड़ा सा भूनेंगे, 2 मिनट के लिए इसको भूनेंगे। टमाटर अच्छी तरह गल जाएं, मसाला अच्छी तरह भून जाए, फिर उसके बाद हम आपको कोफ्ते इसमें डालेंगे, फिर आपको दिखाएंगे कि कितना मसाला भुना होना चाहिए जब इसमें कोफ्ते डालने हैं हम लोगों ने। ये देखिए मसाला भुन चुका, अब हम इसमें जो कोफ्ते बनाए थे हम लोगों ने वो इसके अंदर डालेंगे। लेकिन इससे पहले एक आपको बात बताती चलूँ कि ट्राई कीजिएगा कि कोफ्तों के लिए बहुत खुला बर्तन हो, अगर तंग होगा तो कोफ्ते टूट जाएंगे। जितना खुला बर्तन होगा उतने कोफ्ते अच्छे बनेंगे। ये देखिए ये जाएंगे ग्रेवी में ऐसे, और फिर आपने क्या करना है, इनको डालने के बाद बिल्कुल भी इनको हिलाना नहीं, इसको बस आप इसी तरह हल्की आंच पे इसका ढक्कन लगा के रख दीजिए। और तकरीबन 2 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि इनको मिक्स कब करना है, जब ये कीमा अपना पानी छोड़ेगा, कोफ्ते थोड़े से पक जाएंगे, फिर उसके बाद इसको मिक्स करेंगे। अभी ढक्कन दे के इसके ऊपर हल्की आंच पे 2 से 3 मिनट के लिए इसको बिल्कुल छोड़ दे, नहीं हिलाना। देखिए अब इस स्टेज पे हम इनको टर्न करेंगे, अगर आपको लगे कि आपके कोफ्ते नीचे लग रहे हैं तो थोड़ा सा पानी ज़रूर डाल लीजिए इसमें। ये देखिए इनको हल्की हल्की ऐसे चम्मच के साथ इनको आप टर्न करें इस तरह। देखिए हमने इनको टर्न कर लिया और अब अच्छी तरह इनको भूनेंगे, हल्की आंच पे रख के इसको आराम आराम से हिला के, और जब आपको लगे कि मसाला नीचे लगने लगा है थोड़ा सा पानी आप इसमें डाल दें। देखिए भी मैं इसमें डालूँगी, बस इतना सा पानी डालें और फिर इसको हल्की आंच मीडियम आंच पे रख के भूनते रहें। ये देखिए बिल्कुल भी टूटे नहीं हैं, खुले नहीं हैं, इनको ऐसे आप भूनते रहें अच्छी तरह। तकरीबन आपने इनको 5 मिनट के लिए अच्छी तरह भूनना है, और फिर उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि हमने इसके अंदर क्यूब्स कब डालने हैं और इसकी कितनी ग्रेवी रखनी है और इसमें धनिया कितना डालना है। अभी मैं 5 मिनट भूनूंगी, फिर उसके बाद आपको दिखाते हैं क्या करना है। ये देखिए मैंने तकरीबन 2 से 3 मिनट कोफ्तों को भून लिया, अब इसके अंदर मैंने आपको जो क्यूब्स बताए थे मीट के वो डालूंगी, और इसको इस तरह क्रश करके डालिए। और ध्यान रहे कि आपने नमक पहले भी 2 जगह डाला है, कबाब में भी और ग्रेवी में भी, तो ज़्यादा नमक ना हो जाए, इसलिए पहले नमक टेस्ट कर लीजिए फिर उसके बाद डालिए। और देखिए अब इसको मैं भून रही हूँ और अच्छी तरह कोफ्ते बिल्कुल भी खुले नहीं हैं, टूटे नहीं हैं, बिल्कुल परफेक्ट बने हैं। और इनको साथ साथ आप इनके थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएँ और इनको भूनते जाएँ, तकरीबन 5 मिनट के लिए इनको अच्छी तरह भूनेंगे और फिर आपको दिखाते हैं नेक्स्ट क्या करना है। मैं आपको यहाँ बताती चलूँ कि कीमा जो है जितना भी आपका सही से पिसा हुआ होगा उतने कोफ्ते अच्छे बनेंगे, कीमा अगर आपका सही से पिसा नहीं होगा तो आपके कोफ्ते टूट जाएंगे, क्योंकि आम इन कच्चे कोफ्तों को पका रहे हैं, फ्राई करके नहीं पका रहे। तो ध्यान रखिए कि आपका कीमा अच्छी तरह से पिसा हुआ होना चाहिए। और अब देखिए हमारा ग्रेवी अच्छी तरह भुन चुकी है, कोफ्ते बन चुके हैं, अब हम इसमें पानी डालेंगे और जितनी ग्रेवी आप रखना चाहते हैं, नॉर्मली इसकी ग्रेवी थिक ही होती है, तो मैं इसमें 1 गिलास पानी डालूंगी। और जो धनिया मैंने आपको बताया था वो डालेंगे थोड़ा सा अभी, और थोड़ा हम गार्निश के लिए रख लेंगे। और इसको हल्की आंच पे आप छोड़ दीजिए पकने के लिए, तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए इसको पकाएंगे, फिर उसके बाद आपको दिखाते हैं कि नेक्स्ट क्या करना है। ये देखिए हमारे नरगसी कोफ्ते तैयार हैं, मैंने इनको मटर से काट के सर्व कर लिए, ऊपर धनिया गार्निश कर दिया। आप इसके ऊपर ज़ीरा भी
थोड़ा सा करके उसको फ्राई पैन फ्राई करके थोड़ा उसको ब्लेंड करके डाल सकते हैं, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। और प्लीज़ बनाइएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसी बनी। और प्लीज़ दुआओं में मुझे याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब लाइक कमेंट्स करना मत भूलिएगा। आप मुझे रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं, जो चीज़ आप चाहें मैं आपके लिए बनाऊं और शेयर करूं, रिक्वेस्ट कीजिए। और प्लीज़ दुआ में याद रखिएगा और बताइएगा ये रेसिपी आपकी कैसी बनी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।